हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि हम देखने वाले हैं अब साइंस के क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। चलिए, तो विज्ञान के क्वेश्चंस सैम्पल टेस्ट 4 है। इसके पहले भी 3 क्वेश्चंस मैं लोड कर चुकी हूँ और उनके आंसर्स भी मैंने लोड कर दिए हैं। इस वाले टेस्ट को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो आज का टेस्ट है वो मैंने बनाया है आपके केवल मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम पर बेस्ड। सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सेकेंड चैप्टर यानी कि ह्यूमन सिस्टम के बेस्ड ही होंगे, ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ सबसे पहले कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव सॉरी जो हमारा मानव तंत्र से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा अथवा में आते हैं। 2 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन हमें करना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टोटल 6 सिस्टम हमारे कोर्स में दिए गए हैं। उन 6 सिस्टम में से 2 सिस्टम आप बिल्कुल क्रॉस कर दें जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे, वो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। तो बचे 4, उन 4 में से आप कोई भी 3 तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आते हैं। अगर एक आपके पसंद का और एक बिना पसंद का आ गया तो भी आप कर पाएंगे। तो एटलीस्ट 3 आप तैयार कर लें लास्ट ईयर वालों को छोड़कर। तो लास्ट ईयर आई गेस कुछ जनन तंत्र से और आई गेस श्वसन तंत्र से पूछा गया था, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो जो भी 2 सिस्टम आपके पूछे गए थे उन दोनों सिस्टम को छोड़ के, और 6 में से 4 वो हो गए, 4 में से कोई भी 3 भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैंने तो यहाँ सारे सिस्टम्स को आपको डाल के दिया है, आप देख लीजिएगा। पहला, हम मानव पाचन तंत्र की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि चित्र बनाइए। जो भी तंत्र आपसे पूछा जाता है उसका चित्र पूछा जाता है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। और क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं संभावित, तो ये हो सकते हैं कि जठर रस में उपस्थित एंजाइमों के नाम बताइए, ठीक है। तो इसमें 3 एंजाइम, 2 एंजाइम होते हैं, उन दोनों के नाम आपको लिखना है। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया विधि को समझाइए, छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है, कौन कौन से एंजाइम वहाँ पर जाते हैं, बिल्लाई स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्मांकुर वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो जो भी कुछ आपको पता है इसके बारे में आप वहाँ पर लिख दीजिए। थोड़ी थोड़ी हिंट में देती जा रही हूँ, आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला चैप्टर आपका कितना तैयार है। जहाँ तक मैं मानती हूँ कि एक तंत्र और एक हद क्वेश्चन और एक्स्ट्रा उसमें पूछा जाता है तो लगभग लगभग आपका ये 6 से 7 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको अलग से तैयार करके दिया है। इस पाचन तंत्र में से और क्या पूछा जा सकता है, लार ग्रंथियों के बारे में बताइए। तो लार ग्रंथियां 3 होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, उनसे जो एंजाइम निकलता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है, टाइलिन, ठीक है। ये भोजन में किसका पाचन करता है, ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। तो इस तरह से आप एक सी इन्फॉर्मेशन ले दीजिए। यकृत के कारण हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, वो आप वहां से ले लीजिए। तो मुख्यतः चित्र के साथ में इन क्वेश्चंस में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। श्वसन तंत्र में से ज्यादा कुछ पूछने को होता नहीं है, आप श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे। इसके अलावा उसकी कार्यविधि पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं श्वसन वर्णक क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं कि श्वसन वर्णक जो रक्त होता है उसमें कौन होता है, जो रक्त जो जैसे हीमोग्लोबिन है, श्वसन वर्णक किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की है, रक्त परिसंचरण तंत्र से है। रक्त परिसंचरण तंत्र में जो चित्र आते हैं वो 2 आते हैं, एक तो हृदय का चित्र पूछा जा सकता है या दोहरे परिसंचरण तंत्र का चित्र पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई चित्र की बात। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है धमनी व शिराओं में अंतर लिखिए, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, सॉरी 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं होती हैं, उनमें अंतर भी पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि रक्त का कार्य क्या है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का क्या कार्य है, ऑक्सीजन लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाना, ग्लूकोज अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जाना, ये कई सारे कार्य होते हैं, शरीर की पीएच को बनाए रखना, शरीर के तापमान को बनाए रखना, ये सब इसके कार्य होते हैं। अच्छा, इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी, इसके मैं क्वेश्चन के आंसर लगभग लगभग यहाँ दे रही हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। उत्सर्जन किसे कहते हैं,
ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का पहले तो चित्र देख लेना, उत्सर्जन तंत्र का चित्र पूरे का भी पूछा जा सकता है, और उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होती है जिसे ब्रक कोशिका भी कहते हैं और नेफ्रॉन भी कहते हैं, उसकी भी संरचना पूछी जा सकती है। तो यहाँ भी हमें दो चित्र बना के देखना है। देखिए आप ऐसा करना, चित्र की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चित्र बना के देखना है, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना लीजिए और नेफ्रॉन का चित्र बना लीजिए, यानी कि नेफ्रॉन को कहते हैं ब्रक कोशिका। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पूछ सकते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा पूछ सकते हैं, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछने लायक यहाँ पर है। अगला है हमारा तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे आपको तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना है कि पूरा शरीर बनाएंगे और शरीर में कौन सी तंत्रिका तंत्र है ना, तो ग्रंथि की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे मानव मस्तिष्क का चित्र पूछ सकते हैं, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का चित्र पूछ सकते हैं और मस्तिष्क का चित्र, दो चित्र यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, न्यूरॉन का और मानव मस्तिष्क का। मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? मानव तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका। ये मनुष्य में तंत्रिका आवेगों का संवहन कैसे होता है, संवहन न्यूरॉन के द्वारा होता है या तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, कैसे होता है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, सिनेप्स के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे तो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देना, तंत्रिका तंत्र की परिभाषा लिख देना, बस ये पूछा जा सकता है। या प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, है ना, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, एक लाइन की परिभाषा है, आप उसको भी याद कर लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनके अलावा भी मैं जो बोल रही हूँ आप उन क्वेश्चंस को भी नोट कर लेना, साथ में इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो और इन क्वेश्चंस को आप एक बार जस्ट रीडिंग लगा लो, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं। प्रॉमिस कर रही हूँ कि 99% चांसेस हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं मैंने इसमें। इसके अलावा आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिल सकता है आपको। चलिए, अंतःस्रावी तंत्र में से क्या पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, और फिर से कह रही हूँ ये सारे नहीं पढ़ने आपको, आप सोचोगे कि सारे क्वेश्चन लिख दिए और फिर स्मार्ट बन रहे कि इसी में से आएगा, नहीं, मैं स्मार्ट नहीं बन रही हूँ। सिंपल सी बात है कि हमने बताया था कि 6 तंत्र हैं और 6 में से आपको कोई भी 3 जो लास्ट ईयर को छोड़ के जो 4 बचे और 4 में से 1 छोड़ के कोई भी 3 भी आप तैयार कर लोगे। ये तो ये है कि मैंने 6 के 6 तंत्रों के बारे में बता दिया, इनमें से 6 में से कुछ तंत्र आपको छोड़ देने हैं। जो तंत्र आप तैयार कर रहे हैं उसमें कौन सा तंत्र, उसमें कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उनका जरा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप अंतःस्रावी तंत्र तैयार कर रहे हैं, तो अंतःस्रावी तंत्र में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अंतःस्रावी तंत्र का चित्र बनवाएंगे तो आप एक शरीर बनाना और उस शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं उनको मार्क कर देना। फिर पूछा जाएगा कि उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनके क्या कार्य हैं, तो आपको अपनी बुक में से पूरी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक टेबल तैयार करनी है और उस टेबल में क्या करना, एक तरफ ग्रंथि का नाम, एक तरफ उससे निकलने वाले हार्मोन का नाम और उसके कार्य, 3 चीज़ें याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल पीनियल ग्रंथि की बात करें तो आप सिंपल लिखेंगे कि पीनियल ग्रंथि ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, है ना, पीनियल ग्रंथि हार्मोन कौन सा निकलता है इससे, कुछ मेलिटोनिन करके निकलता है और इससे इसके कार्य क्या है, ये दैनिक नियमन को संचालित करता है। या एड्रिनल के बारे में बात कर लें, या नीचे लिखा हुआ है एड्रिनल के कार्य बताइए, तो एड्रिनल बोलेंगे आपकी एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है इससे, ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है और इसके कार्य क्या है, संकट के समय ये काम करती है, तो आपको एक एक शब्द याद रखने हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मादा जनन तंत्र आपने तैयार किया, मादा जनन तंत्र तैयार किया तो आप क्या क्या तैयार करेंगे, उसमें चित्र बनाना सीख लीजिएगा, उसकी संरचना, संरचना में क्या होता है, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंगों के नाम और उनके एक एक लाइन में उनके कार्य, जनन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, प्यूबर्टी क्या होती है या इसको कहते हैं यौवनारंभ, यौवनारंभ किसे कहते हैं, और मादा जनन तंत्र से कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों के नाम, 2 हार्मोन है दोनों के नाम याद कर लेना। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मुश्किल से 2-2, 3-3 लाइनों के आंसर्स हैं इनके, इतने आप याद करेंगे, तोड़ तोड़ के आंसर करेंगे तो अच्छे से। एक बार के लिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आप पूरा मादा जनन तंत्र बताइए तो एकदम डर जाते हैं, यार हमें नहीं आएगा, लेकिन इसको जब हमने तोड़ दिया इस तरह सेक्शंस में तो आप आसानी से बता देंगे। सिमिलरली नर जनन तंत्र का अगर आप याद करते हैं तो नर जनन तंत्र का चित्र भी पूछा जा सकता है, उनके विभिन्न भागों के नाम और कार्य पूछे जा सकते हैं, तो इनको 2 भागों में बांट देना, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक के कार्य, द्वितीयक के कार्य। प्रोटिस्ट ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं इसके कार्य बताइए, तो प्रोटिस्ट ग्रंथि भी इसी का पार्ट है, विभिन्न भागों का नाम जो हम याद करेंगे उसी में प्रोटिस्ट ग्रंथियाँ आ जाती हैं। तो बेसिकली इसके 2 ही क्वेश्चन होते हैं, पहला और दूसरा, तीसरे की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं अलग से निकाले हैं मैंने, तो अलग से हैं तो शायद ये भी कुछ पूछ लें, जैसे अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। प्रोटिस्ट ग्रंथि के क्या कार्य हैं, प्रोटिस्ट ग्रंथि पुरुषों की नरजनन तंत्र में से निकलती है, ठीक है। सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्थान होता है जहाँ पर विद्युत रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उसे सिनेप्स या कुछ तंत्रिका गांठ पता नहीं कुछ कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं इंग्लिश में से। अच्छा, फिर पूछा गया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी परानुकंपी जो भी दिया है आप देखिएगा। गिलोमेरुलस क्या होता है, तो जो नेफ्रॉन होता है उस नेफ्रॉन में जहाँ गुच्छा पाया जाता है, ठीक है, किसका, रक्त वाहिनियों का, उन्हें क्या कहते हैं, गिलोमेरुलस कहते हैं। श्वास नली की उपस्थिति में छल्ले क्यों पाए जाते हैं, ताकि श्वास नली चिपक ना जाए। एक एक लाइन के आंसर है, आप पूरा ना आंसर ऐसे मत रटा करो। श्वास नली में इसी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये छल्ले आपस में चिपकने से रोकते हैं, क्यों इतना लंबा याद करते हो, श्वास नली की उपास्थि में छल्ले क्यों पाए जाते हैं, उसे चिपकने से रोकने के लिए। अब इतना कॉमन सेंस एग्जाम में होना चाहिए कि आप इतना सा मत लिखना एग्जाम में कि चिपकने से रोकने के लिए, ये हमने याद किया है। एग्जाम में आप अपनी भाषा में लिख दीजिए कि श्वास नली में छल्ले पाए जाते हैं वो उसको चिपकने से रोक देते हैं। मनुष्य में दंत विन्यास एवं इसके कार्य बताइए, तो चार प्रकार के दांत होते हैं उनके चारों के काम लिख दीजिए। पित्त रस क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, रस क्या पित्त है ऐसा नहीं है, पित्त रस क्या है, तो पित्त रस बाइल जूस होता है, यकृत से निकलता है, बसा का पाइसीकरण करता है। हो गया, तीनों चीजें हो गई। पित्त रस क्या है, यकृत से निकलने वाला एक रस है, हल्के पीले रंग का होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, बसा का पाइसीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन वर्णक क्या है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, हीमोग्लोबिन में लोह धातु पाई जाती है, याद हो गया। WBC के प्रकार बताइए, WBC दो प्रकार की होती है, कड़ीकाणु अकड़ीकाणु, कड़ीकाणु के भी दो तीन भाग होते हैं और अकड़ीकाणु के भी दो तीन भाग होते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। धमनी व शिरा में अंतर बताइए, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ये हमने क्वेश्चन पहले टेस्ट में इंक्लूड किया था, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि वह दूसरे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, जैसे मास्टर होता है जो सारे बच्चों को कंट्रोल करता है, जैसे मैं आप सब लोगों को कंट्रोल करती हूँ, ठीक है, तो वैसे पीयूष ग्रंथि क्या करती है, बाकी सॉरी माफ कीजिए, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, बाकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत लाइटली पढ़ा करो, किसी चीज़ को बर्डन लेके पढ़ोगे ना तो कभी याद नहीं होगी, बिल्कुल हल्के फुल्के हंसते खेलते ही चीज़ें याद कर लो, छोटा छोटा छोटे छोटे एक एक शब्द में आराम से एग्जाम निकल जाएंगे, और बिल्कुल चिंता से फ्री हो जाओ, एकदम बड़े एग्जाम जाने वाले हैं। चलती हूँ मैं, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुझे मैसेज करते रहिए, हमेशा ही मेरा नंबर चालू है, मुझे मैसेज करते रहेंगे एग्जाम तक, रिजल्ट्स तक, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं वहाँ तक, मुझे अच्छा लगेगा। गुड नाइट।